मैं बात कराने जा रहा हूँ जी, बताएं भैया। अब ये बताइए हम पे आज फॉर्म के लिए आपने कहा था, भैया इधर देखिए भैया, आज फॉर्म के लिए आपने कहा था 2 तारीख को देने के लिए, 2 अप्रैल को। हमने नहीं कहा था। किसने कहा था? नोटिस दिल्ली से लगी, वो नोटिस छोड़ो। अभी तक क्या, अभी तक की केंद्रीय विद्यालय ने, ये कर्मचारी हैं केंद्रीय विद्यालय के, बताएं 2 तारीख को आपने कहा था। जब आज की डेट निकली है तो आज ही सब कैसे बुक हो गए, ये आप बताइए। आप बता रहे थे बच्चों का एडमिशन ना हो वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म तो देना चाहिए, जो कि 2 अप्रैल को आपने कहा था फॉर्म देने के लिए। किसी ने नहीं कहा। आप अपना कंप्यूटर पटल खोलिए, जा करके केंद्रीय विद्यालय का पटल खोलिए, उसमें लिखा हुआ है ऑफलाइन फॉर्म 2 तारीख को दिए जाएंगे। बच्चों का एडमिशन हो ना हो अलग बात है, लेकिन फॉर्म तो मिलने चाहिए। दो सीट है, 4 सीट है, 5 सीट है, 10 फॉर्म है, 5 फॉर्म है, कुछ तो दीजिए। या तो आप बताइए किसी को आपने फॉर्म दिया हो। पैसा लेके फॉर्म बांट रहा होता तो पैसे फॉर्म सारे दे देते, पैसा ले रहे होते भी, 10 में 50 में 100 में फॉर्म होता, भी फॉर्म बांटा। ये है आजाद हिंदुस्तान का हाल, फ्री फॉर्म के चक्कर में, खुद पैसा लेने के चक्कर में एडमिशन खुद करा रहे होंगे, अपना घूसखोरी कर रहे होंगे अंदर। बदतमीजी, पैसा दो एडमिशन लो, अलग मैटर होगा, ये कोई मतलब ही नहीं है। ये देख पा रहे होंगे अंदर, यहाँ पर कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, ये गुटखा खा करके बैठे हुए हैं, तंबाकू खा रहे हैं अंदर। बच्चों का स्कूल है और बताया जाता है कि स्कूल के कितने मीटर तक की मसाला और गुटखा नहीं बिकेगा, जबकि मसाला और गुटखा अंदर ही खाया जा रहा है, अंदर खा रहे हैं। और बदतमीजी से बात की जा रही है। यह है केंद्रीय विद्यालय अलीगंज।